أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سورة يونس यूनुस के नून पर पेश है सूरह यूनुस आयत नंबर 18 से 20 इन्नल हम्दलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين الله के प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत की सदाकत और अमानत और सदाकत और हकानियत का तज़किरा करने के बाद कुरान मजीद की आयात ज़ेर तफ़सीर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तौहीद के तज़किरे की, क्योंकि दो बुनियादी हिस्से हैं हमारे ईमान, एक अल्लाह पर ईमान, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत का इकरार, और उसके साथ आखिरी पैगंबर खातमुन नबीयीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रसालत का इकरार। दो बुनियादी अकायद हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में इन दो अकायद का जा बजा तज़किरा फरमाया, कभी नबूवत और रसालत के तज़किरे और कभी अल्लाह की तौहीद और वहदानियत के तज़किरे। ये दो अकायद कुरान मजीद में बार बार बयान होते हैं। आयात ज़ेरे तफ़सीर में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुशरिकीन मक्का जो शिर्क करते थे और अल्लाह की इबादत भी करते थे और उसके साथ साथ वो अल्लाह के अलावा दीगर चीजों दीगर हस्तियों की इबादत भी करते थे, और जब वो उनकी इबादत करते तो उसके लिए उन्होंने एक जिसे कहते हैं ना टकोसला वो बना रखा था। उन्होंने एक अपनी तरफ से अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए बात गढ़ रखी थी
बातें तो मुशरकीन एक नहीं कई करते हैं अपने शिरक को जायज करने के लिए। तो मुशरकीन मक्का अल्लाह की इबादत के साथ साथ जब दीगर हस्तियों के सामने भी हाथ बांध के खड़े होते और आजजी का इनकसारी का इजहार करते, उनके नाम की नजर और न्याज देते, उनके नाम के चढ़ावे चढ़ाते और उनसे गायबाना मदद मांगते, मुश्किल कुशाई के लिए, हाजत रवाई के लिए, अपनी बलाओं मुसीबतों को टालने के लिए, तो जब उनसे ये कहा जाता कि आप इन दीगर हस्तियों को क्यों पुकारते हैं, क्या अल्लाह ताला काफी नहीं है इबादत के लिए पुकारने के लिए, वो बड़ा अनोखा मंतक पेश कर कहते कि हम इनकी इबादत नहीं करते, हम इबादत अल्लाह ही की करते हैं, करते वो इबादत ही थे लेकिन इबादत का इनकार कर देते। हालांकि गैरुल्लाह को मुश्किल दूर करने के लिए पुकारना ये इबादत है। अद्दुआ वाले इबादत, दुआ तो इबादत ही है। तो बहरहाल वो इसी तरह बाकी वो जो कुछ करते थे, नजर व न्याज देना, उनके सामने सजदे रुकू क्याम करने, उनके तवाफ करने, सारा कुछ जो कुछ भी उस वक्त भी जो कुछ होता था और बदकिस्मती से आज भी जो कुछ हो रहा है कब्रों के ऊपर और मुख्तलफ दरबारों पे हमारे सादा लोग आवाम जो कुछ कर रहे हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत अता फरमाए, समझ अता फरमाए। अंबियाए किराम को भी लोग अल्लाह के साथ मिलाए हुए हैं, औलियाउल्लाह को भी अल्लाह के साथ मिलाए हुए हैं। ना अंबियाए किराम की ये तालीमात थी ना औलियाउल्लाह की ये तालीमात थी। तो बहरहाल वो मुशरकीन आगे से ये मंतक पेश करते कि नहीं नहीं हम इनको पुकारते नहीं, हम इनकी इबादत नहीं करते, हमारी ये नियत नहीं होती, हम तो सिर्फ इस वजह से इन बुजुर्गों के पास आते जाते हैं कि ये अल्लाह के हाँ हमारी सिफारिश करके ये हमें अल्लाह से छुड़ा लेंगे, बचा लेंगे और ये अल्लाह के हाँ हमारे सिफारशी है, अल्लाह पाक इनकी सिफारिश को रद्द नहीं करवा। तो बस ये मकसद है, इन बुजुर्गों के जरिए से हम अल्लाह के करीब होते हैं, अल्लाह का कुर्ब मिलता है, ये अल्लाह तक पहुंचने का एक वसीला और जरिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी इस दलील पर बड़ी हैरत का इजहार फरमाया और साथ गुस्से का भी कि कैसी बात करते हो, अल्लाह पाक के इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं है कि उसने किसी भी हस्ती को इस कायनात के अंदर कोई ऐसा अख्तियार दे रखा हो या उसको ऐसा स्टेटस अता कर रखा हो कि वो जो चाहे अल्लाह से मनवा, अल्लाह पाक को तो कोई मजबूर नहीं कर सकता, ना अपनी ताकत कुव्वत अख्तियार से और ना ही अल्लाह ताला को कोई मोहब्बत से मजबूर कर सकता है कि अल्लाह पाक किसी की मोहब्बत में मजबूर होकर उसकी बात मान ले, ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा होता तो फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ मानी जाती है बाप के हक, फिर नूह अलैहिस्सलाम की बात मानी जाती है उनके बेटे के हक में। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैंने तो ऐसा किसी को कोई अख्तियार नहीं दे रखा, तो जब मैं ही इस बात की तरदीद कर रहा हूं कि मैंने ऐसा किसी को कोई अख्तियार, कोई अथॉरिटी, कोई स्टेटस, कोई मुकाम ऐसा नहीं दिया हुआ कि अगर तुम उसके साथ जुड़ जाओ, उसको पूजने लग जाओ, उसको पुकारने लग जाओ तो वो तुम्हें मेरे करीब कर दे, तो जब मैं इस बात की तरदीद कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी किसी हस्ती का वजूद है ही नहीं कि जो अल्लाह को मजबूर कर सके और अल्लाह को बात मना सके, तो ऐसी कोई हस्ती मौजूद ही नहीं है सिरे। और अल्लाह पाक ने उनको झंझोड़ते हुए पूछा,
कि क्या तुम अल्लाह पाक को ऐसी बातें बताते हो जो अल्लाह के इल्म में नहीं है। इसका मतलब तो फिर यही हुआ कि तुम ये बात अल्लाह को बता रहे हो और अल्लाह पाक तो इस बात की तरदीद फरमा रहे हैं। इसका मतलब तो नऊज़ु बिल्लाह पर ये निकला कि ये चीज अल्लाह के इल्म में नहीं थी कि कोई हस्तियां ऐसी हैं कि जिनके साथ इंसान जुड़ जाए तो वो आपका काम अल्लाह से करवा देती है। अल्लाह के तो इल्म में ऐसी कोई हस्ती नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम अल्लाह को वो बातें बता रहे हो जो अल्लाह पाक के इल्म में नहीं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अल्लाह के इल्म से बाहर है वो बातें, तुम्हारे इल्म में है। अल्लाह अकबर। और फिर अल्लाह पाक ने साथ ये बात भी समझा दी और बता दी कि अल्लाह के अलावा कोई हस्ती, कोई नेक से नेक अल्लाह का बुजुर्ग, कोई भी नफे नुकसान का मालिक नहीं है, नफे नुकसान पर अख्तियार रखने वाला नहीं है। नफा नुकसान सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। इसलिए तुम्हारी ये सोच, तुम्हारा यह अकीदा बिल्कुल बातिल, बिल्कुल बेबुनियाद है। हाँ, अल्लाह का कुरब चाहते हो तो उसके पैगंबरों की इताअत और फरमा बरदारी करो। अल्लाह का कुरब चाहते हो उसकी किताब कुरान से जुड़ जाओ। अल्लाह का कुरब चाहते हो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन, ताबईने इज़ान और इसी तरह औलियाउल्लाह की तालीमात के ऊपर चलो, उनकी तालीमात को अपनाओ। अल्लाहु अकबर। उसके बाद फिर अल्लाह पाक ने दीगर कुछ बातों का तज़किरा भी किया है, आइए उनको बाद में पढ़ते हैं। पहले पहली आयत करीमा का तर्जमा समाअत फरमाइए। वयअबुदूना, और वो इबादत करते मुशरिकीन, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा किसकी, जो भी अल्लाह के सिवा है वो सारा कुछ इसका है। वयअबुदूना, और वो इबादत करते, मिन दूनिल्लाहि, अल्लाह के सिवा चीजों की, मा जो ला यज़ुर्रु, नहीं नुकसान पहुंचाती, हम उन्हें वाला और ना ही यनफाऊ, हम नफा देती है उन्हें, और वो अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जो ना उन्हें नुकसान पहुंचाती है और ना नफा, ऐसी चीजों की या ऐसी हस्तियों की इबादत करते। वयकूलूना, और वो कहते हैं हाउलाई ये शुफाउना, हमारे सफारशी हैं इंदल्लाही, अल्लाह के यहां, और वो कहते हैं कि ये हमारे अल्लाह के यहां सफारशी। अल्लाह अकबर। अभी मैं कल ही एक छोटा सा क्लिप देख रहा था, जो कुछ हमारे मुल्क पाकिस्तान में औलिया अल्लाह की कब्रों पे होता है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए, और अक्सरियत उस आवाम की होती है कि जिसको ना नमाज का पता ना रोजे का पता, मैं सब की बात नहीं कर रहा, अक्सरियत की बात कर रहा हूं, और ना उन्होंने कभी कुरान पढ़ा, ना उनको पता दरस क्या होता है, कुरान का तर्जुमा तफसीर क्या होती है, और सही बुखारी सही मुस्लिम सीरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या होती। काश के मैं वो क्लिप आपको दिखा पाता तो आप देखते कि किस तरह वो लोग कब्र का तवाफ कर रहे हैं, जिस तरह बैतुल शरीफ का तवाफ किया है, और जो शख्स उनका इंटरव्यू कर रहा है वो उनसे सवाल भी कर कि बताओ ये क्यों कर रहे, और किसी के पास कोई दलील नहीं, इंतहाई कमजोर दलील है, बस जी करते हैं, बस जी सारे यहाँ लोग करते हैं, बारी मुरादें पूरी होती हैं जी। और वहां पे एक दरख्त है बहुत बड़ा, उस दरख्त के नीचे से भी लोग गुजर रहे हैं, थोड़ी जगह बनाई हुई है, नीचे से लेट के गुजर रहे हैं, इससे भी मुरादें पूरी होती, वो दरख्त गिरा हुआ है, कहते हैं ये बुजुर्गों की मिसवाक थी। अल्लाह अकबर। अल्लाह पाक इस कौम को जिसको अल्लाह पाक ने तौहीद के लिए भेजा था, तौहीद सिखाने के लिए भेजा था दीगर अकवाम,
ये किस रास्ते पे चल पड़ी, अल्लाह ताला इस कौम को हिदायत अता फरमाए। इस कौम की हिदायत का और ऐसे लोगों की हिदायत का जरिया कुरान से बेहतर कोई नहीं। इसलिए अगर आपको ऐसे लोगों से मोहब्बत है, आप चाहते हैं कि ये लोग सुधर जाए, ये राहे हिदायत पे आ जाएं, सिरात मुस्तकीम पे आ जाएं, तो एक ही तरीका है कि ऐसे लोगों के पीछे पड़ जाए, आहिस्ता 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 कुरान से जोड़ दें। कुरान से जुड़ जाएंगे इंशाल्लाह उनका तज़किया नफ्स हो जाए, चानन हो जाएगा, उनके अंदर भी चानन हो जाएगा, बाहर भी चानन, और उनको इंशाल्लाह सही और गलत में फर्क पता चल जाएगा, क्योंकि कुरान मजीद को अल्लाह पाक ने फुरकान भी कहा। यह फुरकान है, हक और बातिल में फर्क करने वाली किताब। वह यकूलूना, और वो कहते हैं, हाउलाही ये शुफा, शफी की जमा, शुफाउ सफारशी है, ला हमारे इंदल्लाह, अल्लाह के, ये हमारे अल्लाह के सफारशी। कुल, कह दीजिए, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप क्या इनको कहिए, इनको पूछिए जरा, आप क्या तो नबी हो ना, तुम खबर देते हो, नब्बा यू नबी हो, खबर देना, आप तो नबी हो ना, क्या तुम खबर देते हो अल्लाह अल्लाह को, बाजर भी की किस चीज की, मा जो ला यालमु, नहीं वो जानता, बिस समावादी आसमानों में, वला फिल अर्जी और ना जमीन, यानी ऐसी खबर है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, ना तो ये जमीन की गहराइयों में कहीं इसका वजूद है, ना आसमान की बुलंदियों में इसका वजूद है, ये अल्लाह के इल्म में है ही नहीं। अल्लाह के नजदीक जमीन की गहराइयों से लेकर आसमान की बुलंदियों तक कोई ऐसी बात है ही नहीं, इसका कोई वजूद है ही नहीं, ऐसी कोई हस्ती है ही नहीं कि जो उस तरह तुम्हें अल्लाह के करीब कर दे और अल्लाह से तुम्हारी बात मनवा ले जिस तरह तुम्हारी सोच। हाँ, नेक लोगों के पास, औलिया अल्लाह के पास बैठने से, उनकी सोहबत से तो इंसान अल्लाह के करीब होता ही है, वो तो अल्लाह से जोड़ते हैं। वो ये नहीं कहते कि आपको नमाज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, आपने हमारे हाथ पे बैत कर ली है तो बस, अब आप बख्शे बख्शवाए हैं, अब हम जाने और अल्लाह जाने, आपका हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ऐसा नहीं कहते। जो सही औलिया अल्लाह होते हैं वो तो इंसान को अल्लाह की किताब कुरान से जोड़े, वो तो नमाज से जोड़े, वो तो रोजे से जोड़ेंगे, वजू से जोड़ेंगे। अल्लाह अकबर। कुल, कह दीजिए, अतुनबिउन अल्लाह बिमा ला यअलम फिस समावाति वला फिल अर्ज, कह दीजिए क्या तुम अल्लाह को उस चीज की खबर देते हो जिसे वो ना आसमानों में जानता है और ना जमीन, सुभानहू, वो पाक है, वतआला, और वो बुलंद है, बल्कि बहुत बुलंद है, वतआला, और बहुत बुलंद है, अम्मा अन, अन से माजो मिला के बना, अम्मा युश्रिकूना, वो शरीक बनाते हैं, जो अल्लाह के साथ ये शरीक बना रहे हैं अल्लाह पाक, ऐसे शिरक से पाक, अल्लाह का कोई ऐसा शरीक नहीं जो अल्लाह को मजबूर करके कोई बात बनवाए। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक बहुत बड़ी अकीदे के हवाले से, तौहीद और शिरक के हवाले से बहुत बड़ी एक हकीकत बयान फरमाई, और वो हकीकत ये है कि तौहीद इस कदर बड़ी सच्चाई है कायनात की कि कायनात में सबसे पहले तौहीद ही का वजूद था। एक वक्त था जब कायनात में कोई शख्स, एक सिंगल पर्सन भी शिरक करने वाला नहीं था, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सदियां बीत गई और फिर यहां शिरक शुरू हुआ था सभी। तो शिरक बाद की पैदावार है, तौहीद पुरानी है। कई लोग यहां हमारे यहां भी कहते हैं ना कि ये बेहयाई और बेपरदगी
वो कहते हैं कि ये मॉडर्निज्म है, ये जिद्दत पसंदी है। अगर कोई शादी का मौका पे बेहया बन जाए, अपनी दुल्हन को अपनी बीवी को मेकअप करवा के सजा के ब्यूटी पार्लर से बनाओ श्रृंगार मेकअप करवा के तो सब मर्दों के सामने बैठा दे, जो मर्द चाहे आए और उसके पास बैठे और उसको देखे, और फिर मूवी मेकर को तो बतौर खास ये लाइसेंस हासिल होता है कि वो जितना जी चाहे उसको देखे और जहां जहां से जी चाहे उसके पोज बनाए, तस्वीरें बनाए, दाएं से बाएं से आगे पीछे बैठाकर खड़े करके जैसे जी चाहे। बल्कि बाज़ुकात तो वो बदबख्त दुल्हन के हाथ भी पकड़ के आगे पीछे दाएं बाएं हिला के गाइड भी कर देते हैं कि ऐसे खड़ी ऐसे रखे, और उसका दुल्हा दयूस और बेगैरतपन के पास खड़ा हो कि अंदर कोई गैरत नहीं होती। तो कहते क्या है, जिद्दत पसंदी है, जिद्दत पसंदी है। और अगर कोई उसकी मुखालफत करे तो कहा जाता है कि ये रुजत पसंद, ये बैकवर्ड किस्म के, ये पुराने दौर के लोग। जमाना तरक्की कर गया है, दुनिया कहां पहुंच गई, चांद पे पहुंच गई। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह पाक ने कुरान मजीद के अंदर ये बात समझाई है कि ये बेहयाई और बेपर्दगी और ये दयूसियत बेगैरती ये पुरानी है। इस्लाम पर्दा शर्म हया ये चीजें नई हैं, ये मॉडर्निज्म है। कुरान मजीद के अंदर आप पढ़ चुके हैं, सूरह अनफाल में कहां पढ़ा था कि मुशरकीन अल्लाह के घर बैतुल्लाह का नंगे तवाफ करते थे कि नहीं करते थे, औरतें भी नंगा तवाफ करती रात के औकात में। और अल्लाह पाक ने सूरह अहज़ाब में क्या फरमाया, وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى, اے عورتوں اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بغیر ضرورت کے گھر سے باہر گھومتی نہ پھرو, اور زمانہ جاہلیت کے پہلے پرانے دور کی طرح, جاہلیت کے پرانے دور کی طرح बनाओ सगार करके लोगों को मर्दों को बाहर गलियों बाजारों चौकों चौराहों में दिखाती ना फिरो। तो अल्लाह पाक ने यहां क्या बात बताई है, तबर्रजना तबर्रुजन जाहिलियतिल उला, पहले दौर की जाहिलियत की तरह। तो इसका मतलब है कि औरत का बनाओ सगार करके, खुशबुएं लगा के, चेहरा नंगा करके बाजारों में जाना, चौकों चौराहों से गुजरना, ये बेहयाई है, ये बेगैरती है, बेहिसी है, और ये नई नहीं है। ये क्या है, ये पुरानी, ये पुराने दौर की बातें हैं। जदीद दौर क्या है, शर्म वाला, हया वाला, बुरके वाला, पर्दे वाला, हिजाब वाला। और आज जो नए मुसलमान हो रहे हैं, आप उनसे पूछ के देखें कि पुरानी चीज कौन सी, आप नहीं कौन सी, जिन्होंने सारी सारी जिंदगी इन खलासतों के अंदर मुंह मार के देख लिया, और जिन औरतों ने नंगी टांगों के साथ, नंगे बाजुओं के साथ मर्दों को राजी करके देख लिया। अब वही औरतें जब इस्लाम के साये आतिफत में आई, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो हवाए में लिपट गए, तो उनको क्या सुरूर मिला, क्या सुकून मिला। उनसे पूछे तरह कि ये बेहयाई पुरानी थी या इस्लाम का शर्म वाला, हया वाला, पर्दे वाला जो दीन है ये पुराना है, कौन सी चीज पुरानी। मुशरकीन को अल्लाह पाक ने ये बात समझाई है कि ये शिर्क जो तुम कर रहे हो ये एक नई चीज है, ये तुम्हारी एक नई इजाद है, वरना इससे पीछे इंसानी तारीख में कहीं शिर्क का नामो निशान मौजूद नहीं। सब लोग एक अल्लाह की इबादत करते, इतनी बड़ी ये सच्चाई है तौहीद। फिर तो आहिस्ता आहिस्ता
शैतान ने उनको वरगलाया, फिसलाया और वो लोग आपस में मुख्तलफ हो गए, मुख्तलफ फिरकों में, ग्रोहों में, मजहबों में बट गए, जैसा कि सूरह बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं। वमा कान नासु, और नहीं थे लोग, इल्ला मगर उम्मतन वाहिदतन, एक ही उम्मत, फख्तलफू फाफिर इख्तलफू, वो जुदा जुदा हो, फिर उन्होंने इख्तलाफ किया, अल्लाह की तौहीद से इख्तलाफ किया, पैगंबरों से इख्तलाफ किया, या वो जुदा जुदा हो गए, कोई शिर्क की तरफ चला गया, कोई तौहीद की तरफ चला गया। वलौला, और अगर ना, बाज मुफस्सरीन ने बाज रवायात की रोशनी में और खुसूसन इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह ने ये अपनी तफसीर में लिखा कि तकरीबन 10 सदियां लोग तौहीद पर इकरार करते हैं। वो कहते हैं आदम अलैहि सलाम और नूह अलैहि सलाम के दरमियान 10 सदियों का वक्त, वल्लाहु आलम। नूह अलैहि सलाम के दौर में दोबारा शिर्क शुरू हुआ, जब चंद नेक लोगों के बुत बना के उन्होंने रखे थे, उन्होंने कहा जी ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं, ये हमें अल्लाह की याद दिला, क्योंकि हमारे वो नेक लोग फौत हो गए हैं, तो अब हम उनकी मूर्तियां बनाकर उनको याद करते हैं, इस तरह हमें अल्लाह याद आ। आस्ता आस्ता अगली नस्लों ने उनकी इबादत ही शुरू कर दी, उनको पुकारना शुरू कर दिया। तो फरमाया वलौला, और अगर ना होती कालिमतुन, वो बात सबकत, जो पहले से तय हो चुकी, और अगर ना होती वो बात जो पहले से तय हो चुकी थी, मेरे रब्बी का, आपके रब की तरफ से, और अगर वो बात ना होती जो आपके रब की तरफ से पहले तय हो चुकी, क्या तय हो चुकी थी कि अल्लाह पाक इंसानों को शिर्क करने पर फौरन गिरफ्त फरमाकर अजाब में मुब्तला नहीं करेंगे, बल्कि अल्लाह पाक इंसानों को एक खास वक्त तक के लिए मोहलत अता करता। अगर अल्लाह पाक का ये फैसला पहले से तय ना हुआ होता, ये अल्लाह पाक की पॉलिसी ना होती, ये कानून ना होता, तो फरमाया लमजा बरला, लमजा बरला तो जरूर कोजिया फैसला कर दिया जाता, बई ना हम उनके दरमियान, फी मा उसमें, जो फी ही जिसमें, यख्तलिफून, वो इख्तलाफ कर रहे, इख्तलाफ किसमें किया था, अकीदा तौहीद में, फख्तलफू पर लफ्ज दूसरा फख्तलफू। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अगर वो बात ना होती जो तेरे रब की तरफ से पहले से तय हो चुकी, तो इनके दरमियान उस बात के बारे में जरूर फैसला कर दिया जाता जिसमें वो इख्तलाफ कर रहे हैं, यानी तौहीद और शिर्क के बारे में। अल्लाह पाक दुनिया में नंगा कर देता मुशरिकों को कि ये जहन्नमी है और ये तौहीद वाले जन्नती हैं। अल्लाह पाक को दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए दुनिया में कोई अपना मौजदा दिखा देता, या फिर अल्लाह पाक शिर्क वालों को तबाह बर्बाद कर देता कौम ने आज समूद की तरह, लेकिन नहीं, अल्लाह पाक ने मोहलत दी है, जो करता है करता रहे, कोई गैर अल्लाह को सजदा करता है कर ले, कोई गैर अल्लाह की डेरी पर, कब्र पर, किसी के दर पर, दरबार पर अगर अपनी पेशानी रगड़ रहा है और उसको मुश्किल के अंदर पुकार रहा है तो पुकार ले, अल्लाह ताला फौरी ग्रेस नहीं पाएगा, मोहलत देगा, शायद उस शख्स को कोई कुरान पढ़ने वाला शख्स मिल जाए और वो उसकी रहनुमाई कर दे और अल्लाह पाक उसके सीने को तौहीद से मुनव्वर फरमा दे। अल्लाहु अकबर। आखिरी आयत करीमा में अल्लाह पाक ने मुशरिकीन का एक मुतालबा नकल फरमाया है, वयकूलूना, और वो कहते थे, मुशरिकीन क्या कहते थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी कोई मुतालबा, कभी आपके सामने कोई डिमांड रख देते, और उनकी मुख्तलिफ डिमांड्स का तज़किरा अल्लाह पाक ने सूरह बनी इसराइल में किया, आयत नंबर 90 से 93 का। तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अजीब और गरीब किस्म के मुतालबे रखते हैं, कभी कहते हैं कि मिसाल के तौर पे
ये आप ये मक्के का जो पहाड़ है ना इनको सोने का बना के दिखा, फिर हम आपको नबी माने। कभी कहते हैं ये पहाड़ सारे खत्म कर दें, ये दाएं बाएं जो बैत अल्लाह के पूर्वज जवान में ये पहाड़ सारे खत्म कर गए, आप यहाँ पे बागात होगा नहर चला। तो कभी कहते हैं हमारे आबाओ अजदाद उनको जिंदा करके हमारे सामने पेश कर, इस तरह की अजीब और गरीब किस्म की डिमांड्स वो करते रहे। तो अल्लाह पाक ने उसका जवाब दिया है वयकूलूना, और वो कहते हैं लौला, क्यों ना उन जिला उतारी गई अलैहि इस पर, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आयतन कोई निशानी, मिर रब्बी ही इसके रब की तरफ से। निशानियां तो अल्लाह ने बड़ी उतारी थी, सबसे बड़ी निशानी तो ये कुरान था जो उतर रहा था, और वो कहते हैं कि उस पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों ना उतारी गई। फकुल, बस आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नमा सिर्फ अल गाइब गाइब लिल्लाह, अल्लाह के लिए। इन्नमा कलिमा हसन, इसका तर्जमा करते हैं ही, इन्नमा अल गाइब लिल्लाह, कह दीजिए कि गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है, मुझे क्या पता जो निशानी तुम चाहते हो अल्लाह ने वो पूरी करनी है कि नहीं करनी, कब करनी है, अब करनी है, बाद में करनी है, नहीं करनी, मुझे कुछ इल्म नहीं। इन्नमल गैब लिल्लाही, कह दीजिए कि गैब तो सिर्फ अल्लाह के पास है। फंतज़िरू, अगर तुमने नहीं मानना तो ना मानो, नहीं मान लाना तो ना लाओ। रही बात मौजदात और तुम्हारी मनमानी निशानियों के जहूर की, तो उसके लिए फिर तुम इंतजार करो, अल्लाह के इल्म में है उसने ये निशानियां तुम्हें दिखानी है कि नहीं। फंतज़िरू, बस इंतजार करो, इन्नी बेशक मैं भी मादूं तुम्हारे साथ ही, मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करने वालों में से। तुम भी इंतजार करो, मैं भी इंतजार करता हूं, फिर देखते हैं कि अल्लाह पाक क्या करते हैं। ये अथॉरिटी सारी अल्लाह के पास, अल्लाह हम सब को इसी तौहीद पर जिंदा रखे जिसकी दावत अल्लाह के पैगंबर अपनी कौमों को देते रहे, जिसके लिए अल्लाह पाक ने तमाम अंबिया किराम को महबूस फरमाया था। अल्लाह हम सब को जिंदा रखे तो उसी तौहीद पर, उसी ईमान और यकीन पर जिंदा रखे। अल्लाह पाक हम सब को औलियाउल्लाह की इज्जत एहतराम करने की, उनसे मोहब्बत करने की और उनकी तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और अल्लाह पाक हमें जाहिल लोगों के जो कुरान से दूर हैं उनके पीछे चलने से अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, जो काम वो करते हैं अल्लाह के नाज़ी के अल्लाह में उससे महफूज फरमाए, और अल्लाह पाक हमें मरते दम तक इसी तौहीद पर कायम रखे। मरते वक्त अल्लाह पाक हमें कलिमाए तौहीद नसीब फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।